दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो जहां पे लगातार इल्जाम लग रहे थे कि जीक्यूजी पार्टनर ने जो 15,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और प्रमोटर ग्रुप से जो शेयर बेचे गए अदानी ग्रुप की तरफ से, उन पैसों को फिर से उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यानी अपने कर्ज को चुकाने में उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहां पे ये बात अब बिल्कुल गलत साबित हो रही है। और जो नए लेटेस्ट आंकड़े निकल के आ रहे कि अदानी ग्रुप ने जो जीक्यूजी पार्टनर से उनको पैसे मिले थे उसके अलावा भी बहुत सारा अपना कर्ज चुकाया, तो किस किस को उन्होंने अपने पैसे चुकाए, करीब ये अमाउंट है जो 21,000 को इसकी अमाउंट है जो इन्होंने अपने कर्ज को चुका दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और जिस तरह से लगातार बहुत तेजी से अपने कर्ज को चुका रहे, क्या आने वाले समय पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो सकती है अदानी ग्रुप की कंपनियां, और कितना है अदानी ग्रुप के ऊपर कर्ज, पिछले कुछ सालों में कितना कर्ज बढ़ा है अदानी ग्रुप पे, और आगे की क्या संभावना बन रही है, इसके अलावा कुछ बड़ी अपडेट है उसको भी समझेंगे। और आज अदानी ग्रुप के शेयरों में नरमी बनी हुई है, तो लगातार पॉजिटिव माहौल बना था लेकिन अब फिर से देख रहे हो तो यहाँ पे निगेटिव माहौल बन रहा है। इस गिरावट के पीछे वजह बाजार की नरमी भी है, और आज देख सकते हो कि इतने कोई खास माहौल पॉजिटिव नहीं बना हुआ है, लेकिन अदानी ग्रुप का ये जो फैसला है ये काफ़ी शानदार, और ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप में फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 12 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स की बात करें इस समय 59,765 के स्तर पर है, जहाँ पे 145 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.24% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो बाजार में नरमी छाई हुई है और इस दबाव के बीच में अदानी ग्रुप के शेयरों में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। अदानी पावर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस समय 189 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 0.053% की तेजी, यानी मामूली सी तेजी है, एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस समय स्टॉक। और हो सकता है कि दबाव देखने को थोड़ा मिला तो यहाँ पे गिरावट देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक में इस समय दबाव की संभावना बनी हुई है। वैसे 191 का आज इंट्राडे में इसका हाई भी बना है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1865 पर इस समय स्टॉक है, 0.69% की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। वैसे आप देख सकते हो कि शुरुआत जो है वो पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो स्टॉक इस समय 663 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर भी हमें 0.20% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि स्टॉक तो पॉजिटिव शुरुआत हुई थी लेकिन उसके बाद में दबाव के देखते हुए ये स्टॉक भी नीचे आया। अदानी बिरला लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 405 के स्तर पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर भी 0.33% की गिरावट है। शुरुआत यहाँ पर भी पॉजिटिव थी क्योंकि क्लोजिंग कल की 406 की थी, शुरुआत 407 पर हुई, लेकिन अभी स्टॉक में दबाव देखने को यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी हो सकता है कि स्टॉक और नीचे जाए। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें, इस समय स्टॉक 957 के स्तर पर है और 0.49% की गिरावट है, लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। और सबसे जो बड़ी बात है कि स्टॉक की शुरुआत इसकी भी पॉजिटिव हुई थी, कल की क्लोजिंग 962 के आसपास थी और अभी आज 973 पर स्टॉक ने शुरुआत तो की, लेकिन फिर यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया, पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी दौड़े। अदानी टोटल गैस की बात करें, इस समय स्टॉक 950 के स्तर पर 0.43% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक फिलहाल अभी आधा परसेंट तेजी दिखा रहा है। अदानी टोटल गैस में तेजी के पीछे वजह ये कि इनका जो धामरा का जो टर्मिनल है वहाँ से प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाएगी मई के एंड में, और वो पूरी तरह से तैयार होगा और वहाँ पे शिपमेंट भी आ चुका है ब्रिटिश पोर्ट का, तो ये बड़ी बात है। और इस वजह से देखें तो ये इसका पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे 1041 पे स्तर है और 0.21% की यहाँ पर भी हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें ACC सीमेंट की तो 1770 के स्तर पर स्टॉक 0.30% की गिरावट है, तो दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 387 पर स्टॉक है, 1.03% की काफ़ी बड़ी गिरावट है, ये सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है अंबुजा सीमेंट में, 1% के ऊपर की गिरावट है। और दोनों सीमेंट सेक्टर के शेयर जो है ये अभी दबाव में। NDTV की बात करें तो 188 पर स्टॉक है, 0.211% की गिरावट है। कुल मिला के देख सकते हो कि तीन स्टॉक में मामूली सी तेजी है, बाकी ओवरऑल सभी जगह पर गिरावट है। और इतनी शानदार जो खबर है उसके बावजूद भी यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि बाजार के आगे बढ़ते बढ़ते इसमें कुछ पॉजिटिव माहौल बने। जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने करीब 21,000 को बीच का अपना लोन चुका दिया है, जो चार कंपनियों के गिरवी शेयर थे उनको छुड़ा लिया है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप ने मार्च क्वार्टर के दौरान $3 अरब यानी करीब 21,000 को बीच का कर्ज चुका दिया है। और इस मामले पर जो नज़र रखने वाले व्यक्तियों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ग्रुप ने गिरवी शेयरों को छुड़ाने के साथ साथ तीन घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियों को भी भुगतान कर दिया है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इससे पहले किसी क्वार्टर में अदानी ग्रुप ने इतना बड़ा कर्ज कभी नहीं चुकाया है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि जीक्यूजी पार्टनर से करीब $1.88 बिलियन का निवेश और प्रमोटर ग्रुप के करीब $1 बिलियन की फंडिंग का प्रयोग इस कर्ज अदायगी के लिए किया गया है।
और रेगुलेटर को दी जानकारी के मुताबिक अदानी ग्रुप ने 4 कंपनियों में, जिसमें देख सकते हो अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन में गिरवी शेयरों को छुड़ाने के लिए करीब $2.5 अरब का भुगतान किया है। मार्च क्वार्टर में देखिए तो अदानी इंटरप्राइजेस के जो गिरवी शेयर थे वो 0.44% रह गए, जबकि पहले 1.94% थे। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो उनके जो गिरवी शेयरों की संख्या है वो 11.28% से घटके 2.84% पर आ गई है। अदानी ट्रांसमिशन में 4.92% के जो शेयर गिरवी थे वो 2.69% पर आ गए, और अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें उनके जो शेयर गिरवी थे 2.65% वो 2% पर आ गए। तो इन्होंने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा है। कंपनी ने इंटरनल नोट्स के अनुसार अदानी ग्रुप ने SBI म्यूचुअल फंड को बेचे गए 3,650 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स, आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड को 500 करोड़ के रुपए के, और HDFC म्यूचुअल फंड को करीब 450 करोड़ का भुगतान किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने 3 बड़े म्यूचुअल फंड, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है SBI म्यूचुअल फंड, और आदित्य बिरला ग्रुप का सनलाइफ म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड को भी उनके जो बकाया जो रकम थे, जो पेपर कमर्शियल पेपर के माध्यम से उन्होंने फंड रेज किए थे, उस पूरी रकम को उन्होंने चुका दिया है। फिलहाल इस मामले पर अदानी ग्रुप की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिला अदानी ग्रुप को वो GQG पार्टनर की तरफ से मिला, जब उन्होंने 15,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अदानी ग्रुप के प्रमोटर कोटे में, और उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में देखे तो पिछले साल तो बहुत तेज़ी से अपने कर्ज को बढ़ाया, लगातार ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि बहुत तेज़ी से कर्ज बढ़ाया अदानी ग्रुप का, यानी पिछले कुछ समय से वो एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे और उसके लिए लगातार कर्ज ले रहे थे। पिछले एक साल में ही इनका जो कर्ज है वो 21% बढ़ा है, बहुत तेज़ी से, इसमें ग्लोबल बैंकों से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कर्ज लिया। अदानी ग्रुप के कर्ज की सीमा को देखें तो लगातार हर साल आपको कर्ज बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी उन्होंने बहुत तेज़ी से अपने कर्ज को बढ़ाया, बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा उठाया बाजार से। तो यहाँ पे ही ग्राफ आपको समझ में आएगा कि लगातार हर साल कंपनी ने अपने कर्ज को बढ़ाया, और आप ये देख सकते हो कि 2019 से लगातार आपको ये कर्ज जो है सीमा बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो कि इन्होंने 2020 और 21 के टाइम में थोड़ा सा कर्ज कम लिया, और उस समय अगर आप देखेंगे तो कोविड काल था, उस वजह से सारे के सारे ऑलरेडी कारोबारी गतिविधियां बंद हो गई थी और ऐसे में कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं, तो उस समय उन्होंने कर्ज कम लिया। लेकिन 2022 में देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्ज लिया और उससे ज़्यादा सीमा बढ़ी थी फाइनेंशियल 2023 में, जब कर्ज की सीमा बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि लगातार कंपनी ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एग्रेसिव तरीके से कर्ज लिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल फंड उन्होंने उठाया। लेकिन अब उन्होंने अपनी रणनीति को बदल दिया, अब वो धीरे धीरे अपने तेज़ी से कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रहे, ताकि आने वाले समय में जो बिजनेस में जो टेंशन खड़ा हो गया वो सारा खत्म हो, और इसीलिए काफ़ी ये शानदार इन्होंने निर्णय लिया। एक बड़ी अपडेट और निकल गया, जैसे कि GQG पार्टनर ने बहुत भारी निवेश किया है अदानी ग्रुप के शेयरों में, और 4 कंपनियों की उन्होंने प्रमोटर कोटे से शेयर उठाए, करीब 50,000 करोड़ का निवेश किया। अब GQG पार्टनर ने जो दूसरा इन्वेस्टमेंट किया वो है FMCG सेक्टर की एक बड़ी ब्रांड ITC में। ITC में भी उनका बहुत भारी निवेश किया उन्होंने Q4 के दरमियान, यहाँ पे देख सकते हो उनकी जो होल्डिंग थी Q3 में 1.29% थी, उसको बढ़ा के उन्होंने 1.44% किया Q4 में, यानी अदानी ग्रुप के बाद दूसरा किसी शेयर के ऊपर उनको भरोसा है तो वो है ITC। ITC में GQG पार्टनर का ज़बरदस्त निवेश हुआ है, और आप देख सकते हो करीब 19.17 लाख शेयर उन्होंने ऐड किए FMCG सेक्टर की ITC में। और आपको पता ही होगा ITC बहुत मजबूत कंपनी है, इस समझ सकते हो मोनोपोली बिजनेस है सिगरेट का। इसके अलावा कंपनी FMCG सेक्टर में इंडिया की हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में 2nd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े बड़े इनके पॉपुलर ब्रांड है जो सब घर में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कंपनी का पेपर बिजनेस है, होटल बिजनेस है, और IT का बिजनेस, और सारे बिजनेस बहुत ही शानदार है। अगर आपने ITC में अब तक निवेश नहीं किया तो ये मौका है बिल्कुल खरीदारी का। ये एक ऐसा स्टॉक है जब गिरते बाजार में दौड़ता है, बहुत ही शानदार स्टॉक है, और निवेश आपको जरूर करना चाहिए। इस बाजार में दबाव है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।